They have net dipole moment and difference in electronegativity. किसी का भी पोलर नेचर आपको बोला जाएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेक्स इट पोलर. ठीक है, इट इज ऑलवेज सेड दे हैव नेट डाइपोल मोमेंट एंड देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इनके एटम्स के बीच में जो भी होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर है कि देर शुड बी नेट डाइपोल मोमेंट. तुमको किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए आता है ये वर्ड, तो आप सीधे आंख बंद करके ये वर्ड लिखोगे कि अच्छा ये ऐसा इसलिए शो करता है क्योंकि उनके उनके डायपोल मोमेंट क्या रहते हैं, दे हैव नेट डायपोल मोमेंट. दिस काइंड ऑफ वर्ड यू नीड टू मेंशन. ये एक पॉइंट होती है. दूसरी हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म करता है कि, और काफी इंपॉर्टेंट है, इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन विच इज मोर पोलर. इन हैलो एल्केन्स, ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में जाना चाहिए. यदि हम लिखा रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में, इसका मतलब कि क्वेश्चन आता रहा है. तीन आर पोलर इन नेचर. ठीक है, वन क्यों पोलर है ये? ठीक है, यहां के केस में आप ध्यान से सुनिएगा. हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स आर पोलर इन नेचर के पीछे वजह क्या है, क्यों? नहीं नहीं एक सेकेंड. इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स विच इज मोर पोलर, क्वेश्चन थोड़े से ये हो गया. विच इज मोर पोलर इन नेचर एंड बाय. ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड जाएगा हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन के लिए? विच इज मोर पोलर. अब बोलेगा हैलो एल्केन्स आर मोर पोलर. देखो इसको कैसे आंसर कीजिएगा. जैसे देखना ये वाला चीज, हमको बताओगे कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है. बेटा एक चीज बता पाओगे कि ये जो कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात छोड़ दो, ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. जल्दी बोलिए, जो लोग भी हो जल्दी से बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. sp3. किसका? इसका sp3. yes, miss. इसका sp2. करेक्ट बेटा. इसका sp3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 25% s कैरेक्टर है. इस वाले केस में 33.3% s कैरेक्टर. ठीक है, 33.33% S character in this. क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है. चलिए ना, आवाज नहीं आ रही है. और लोग बोलो. मैम आ रही है आवाज. कम में रिफ्रेश कीजिए बेटा. मैम आ रही है आवाज. कम में रिफ्रेश कीजिए. मैम मुझे भी आ रही है. नहीं, जो बच्चों को नहीं आ रही है ना, तो रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार आप जाकर के, फिर हम एडमिट कर लेंगे यदि मुश्किल हो रही है तो. चेक कीजिए, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. ठीक है, अब क्या है वो देखो जरा सा. हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है. आर एक्स मॉलिक्यूल्स आर मोर पोलर. रीजन क्या है? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है. दिस हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेयर टू दिस. ठीक है, इन दोनों के बीच में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेसिकली आप बोलेगा दैट इज मोर कंपेयर टू दिस. क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? देखो हैलोजन का सपोज एक सिंबॉलिक वे में हम आपको बताते हैं, दिस इज 20. ठीक है, और ये कार्बन और इस कार्बन के स्टेटस में फर्क है. This has 25% S character. और S character जिसका ज्यादा होगा वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. जहां पर S का स्वाद, जैसे कहते हैं ना, जहां मिर्ची ज्यादा होगी तो वो खाना स्पाइसी होगा. तो ये जो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, जैसे किसी में डोमिनेंस आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि अच्छे किसी का इम्पैक्ट ज्यादा है. अक्सर ना तुम देखोगे चौराहा वगैरह पे एक पर्टिकुलर
टाइप के बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा धौंस वौंस जमाने की कोशिश करते हैं कि मेरे खानदान में ये पुलिस में है तो ये पुलिस में है, इस तरह की बातें. तो वो एक कैरियर पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले होंगे. तो वो इस कैरेक्टर से वो एक डोमिनेंस वाली चीज आ जाती है ये सोच करके कि मेरे को हर जगह फेवर मिलता रहेगा. उस तरह से फील करो कि यहाँ पर 25% ही एफ कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इसका भी अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, दादागिरी दिखाने की के चांसेस रहते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है. इसके पास 25% एस कैरेक्टर की वजह से, सपोज हम तुमको बता रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 15 है. अब ये बताओ कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 15 है, ध्यान रखना इसमें, यहाँ आइए, ये हैलोजन का सेम होगा 20 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम इट्स गोइंग टू बी 20 जो यहाँ पर डाला. लेकिन इस केस में 33.33% एस कैरेक्टर होने की वजह से इस कार्बन का के अंदर एस कैरेक्टर बढ़ा हुआ है. That's why this has more electronegativity. More electronegativity. ठीक है? More electronegativity का मतलब क्या हुआ? यदि इसके पास 15 था, इसके तुलना में, तो ये आपका हो जाएगा 17. इस कार्बन के अंदर का electronegativity value 17 हो गया. अब बेटा अपना दिमाग लगा के बताओ सब लोग, इन दोनों में अंतर कितना हुआ? What is difference in electronegativity? जल्दी बोलिए. अरे बाबा अंतर अंतर बोल रहे हैं. -5. मतलब ये भी सबको सोचना पड़ता है कि 15-20 या 20-15 आंसर करने लायक नहीं हो. प्लीज स्पीक. यदि जितना बोलोगे ना इधर से जुबान से निकलेगा उधर दिमाग में जाएगा भी, एक्स्ट्रा एंट्री होता है. बोलिए. और इधर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितने? 3. कहाँ ज्यादा है? इसमें या इसमें? यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, दैट इज गोइंग टू बी मोर पोलर. हम इसका आंसर कैसे लिखने जा रहे हैं? आंसर में ऐसे जाएगा, इन हैलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज. Electronegativity difference decreases. इस वाले केस में electronegativity difference क्या होता है? Decrease करता है. क्यों decrease करता है electronegativity difference यहां पर जो हम बात करेंगे? Due to, ये ध्यान दीजिएगा, due to what we are saying, due to increase in S character on carbon atom. In S character on sp2 hybridized carbon atom. In haloarene, electronegativity difference decreases due to increase in S character of sp2 hybridized carbon atom. Is it okay? Yes, ma'am. Samajh aa rahi hai baat? In haloarenes, electronegativity difference decreases due to increase in S character on sp2 hybridized carbon atom. Ye aapko hum ek example ke taur pe dikha diye hain ki beta polar ko napa jata hai dipole moment se, atulna kiya jata hai electronegativity difference se. Tulna word samajhte hoge. So wahi cheez yahan par aapko batayi gayi hai. और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि कल को आप भूल जाओगे तो अपना दिमाग लगा सकते हो फिर से. ये आंसर ये जाना चाहिए, इसी को तुम अपनी लाइन में लिख सकते हो लैंग्वेज में. ये हो गया हम लोगों का. तुमको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी, ये बोर्ड का क्वेश्चन, इन साइक्लो ये हैलोजन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल हैलाइड एंड साइक्लो इस हैलोबेंजीन. तो ये इसका कंपैरिजन आप आरएक्स की तरह कीजिएगा, बिकॉज दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज. ये आपका साइक्लोहेक्सेन वाली चीज होगी. तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज से तुलना कीजिएगा, एंड दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. ठीक है, इसके हिसाब से बात होती है.
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे इस केस में क्या क्या चीज संभालने की कोशिश की जाएगी ये देखना है. सेकंड जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो ये देखना है कि किस किस तरह का केमिकल रिएक्शन ये शो करता है. पोलर है समझ में आ गया, बॉन्ड टूटता है ये समझ में आ गया, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग. इन हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, फर्स्ट इज वॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन. Third, first is nucleophilic, second B side elimination reaction, third is reaction with metal. ये तुमको तीन ऐसे दिख रहे हैं ना, ये हमको अभी तीन चार दिन टाइम लगेगा, इसी में तीन दिन टाइम लग जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 से 3 दिन टाइम लगेगा. ठीक है, ये काफी अच्छा खासा इसमें आपका 11th स्टैंडर्ड में जो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताया था वो यहाँ पढ़ना है. मतलब जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पर था और वहां नहीं था, तो इस पे टाइम लगेगा. अब ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में. क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सौम्या सुनाई दे रहा है? यस मैम. अरे आ रही है ना. ये बेटा एक्स, दिस इज हैलोएल्केन, दिस इज NaOH. NaOH टूटा. ये बात को रिएक्शन के टाइम में बेटा हर समय ध्यान रखिएगा कि पहले आपका रिएजेंट, आपको मालूम है कि ये रिएजेंट दो अंदाज में टूटता है, होमोलिटिक अपने पहले टूटेगा और फिर इसको फोर्स करेगा टूटने में. पहले ये हेट्रोलिटिक टूट गया Na प्लस एन OH माइनस, इसलिए इसको रिएजेंट बोला ही गया है. फिर ये चलेगा और जाकर के इस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए उसी अंदाज में फोर्स करेगा कि आप भी टूटिए. दिस इज गोइंग टू ब्रेक. एग्जैक्टली उसी अंदाज में उसको फोर्स करेगा कि आप तोड़िए अपनी बॉन्ड को. कहेगा ठीक है, अब इस एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा? जैसे ये टूटा, आपको हम सिखाए हुए हैं कि पहले रिएजेंट टूटा, ये सब रिएक्टिव इंटरमीडिएट हुआ और ये OH गया, इस X को हटा करके यहाँ पर क्या बन गया? अल्कोहल प्लस NaX. सही है? Yes, ma'am. फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, फिर से यहाँ पर जानते हैं 2-3 क्वेश्चन बनेगा आपको कि हेलो एल्केन्स तो आपका ठीक है ये आराम से टूट गया, इसमें आपके पास तीन ब्रीड है, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन एंड टर्शियरी हैलो एल्केन. क्या ये सब एक जैसा ही टूटेंगे, एक साथ टूटेंगे? क्या ये तीनों जो हैं एक जैसा टूटेंगे, एक साथ टूटेंगे? ये जैसे इसको प्राइमरी हमने बोला, दिस इज प्राइमरी हैलो एल्केन, दिस इज सेकेंडरी हैलो एल्केन, दिस वन इज टर्शियरी हैलो एल्केन. इसमें हम लोग को समझनी है कि क्या ये तीनों एक जैसे टूटेगा, क्या इनके बॉन्ड एक जैसे टूटने वाले हैं? ठीक है, यानी कि इनका रिएक्टिविटी कंपेरिजन करना है. रिएक्टिविटी कंपेरिजन ये होगा कि न्यूक्लियोफिलिक में रिएक्टिविटी ऑर्डर इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर? कौन अपनी बॉन्ड को जल्दी जल्दी तोड़ता है, कौन सबसे पहले तोड़ेगा, किस बात पे, ये हम समझेंगे अभी. इसके अलावा दूसरी चीज जो हम लोग को समझना है कि हैलो एल्केन तो टूट गया, हैलो अरीन का क्या सीन है? इन हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन विच इज मोर रिएक्टिव, मोर विच इज मोर रिएक्टिव?
in haloalkane and haloarene. Which is more reactive? ये बात उठ करके आती है कि इन दोनों में किसकी reactivity ज्यादा है. तो इस चीज को बताने, ये बात हम लोग को समझानी है. तो इस चीज को बताने के लिए, haloalkanes and haloarene के reactivity को बताने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो आएंगे इस तरह से आंसर देने की कोशिश करेंगे कि haloalkane is more reactive और ये क्यों है. तो देखो, सबसे सबसे पहले एक बात, reactivity word का मतलब समझना कि वो बॉन्ड अपने पहले तोड़ेगा जो लंबा बॉन्ड है. यदि आपके एक ही जैसे हैं, C एंड X का कनेक्शन है, और इस haloarene में भी C एंड X का ही कनेक्शन है, ये C है, ये X है, ये C है, ये X है, कौन अपनी बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा? ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा? तो कौन सा बॉन्ड टूटता है वो आप हर समय ध्यान दीजिएगा. बॉन्ड टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग, इस चीज पे डिपेंड करता है. दो बात रहती है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ ब्रेक्स इजीली. जैसे कोई लंबी चीज होती है ना, तो तोड़ना या चटकाना आसान है. लॉन्गर बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, ठीक है? जब एक ही तरह के होंगे, जैसे यहाँ सी एन एक्स के बीच का टूटना है, यहाँ भी सी एन एक्स के बीच का टूटना है, तो आपको लगेगा कि दोनों एक ही जैसे हैं. और यदि अलग अलग होगा, एक जैसे लोग नहीं होंगे यहाँ पर, एक फैमिली के डिफरेंस में नहीं होगा, तब वहां पर पोलर बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, पोलर ब्रेक, पोलर बॉन्ड, ठीक है? तो यहां देखो हम क्या आंसर करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है. ये केवल इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक की लड़ाई है. आंसर है haloarene इज मोर रिएक्टिव, haloalkane इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव as in haloarene resonance takes place. Resonance word से familiar हो आप, जहां पर lone pair in conjugation with pi bond होता है, resonance takes place due to which पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर X एंड C के बीच में डबल बॉन्ड वाला, जैसे एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना और दो लकड़ी का चीजें होगा वो यदि पैरेलल में है उसको तोड़ना मुश्किल होगा डबल वाला, क्योंकि डबल वाले में दो बॉन्ड्स हो गए. तो आर एक्स इज मोर रिएक्टिव एज इन हैलोअरीन. देखो इसमें रेजोनेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू विच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. Develop, which cannot be broken easily. Be broken easily. देखो क्या है, किस बॉन्ड का यदि तुमको तुलना करना है, एक ही क्वालिटी ऑफ बॉन्ड इज सेम, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान है. तो लंबे बॉन्ड को, ये बात तो समझ में आ रही है, haloarene के साथ क्या हुआ, उसको आदत है रेजोनेंस दिखाने की. रेजोनेंस की वजह से वो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. वो देखो किस तरह की बात है, रेजोनेंस जहां भी होता है, हम दिखा रहे हैं आपको, रेजोनेंस करके दिखाना नहीं है आपको, ये एक ही मार्क के अंदर होता है. इससे बस आपको इससे क्या, ये आगे भी हमको जरूरत है इस रेजोनेंस की. एक आदत सी बना लो कि तुम्हारे दिमाग में रेजोनेंस क्या आता है और कैसे करनी है. This you don't have to show. Nobody is going to ask you कि अच्छे आप resonance के through समझाने की कोशिश कीजिए. लेकिन थोड़े से idea रहना चाहिए कि resonance के दौरान हुआ क्या होगा. तब दिमाग में बैठा रहता है. Resonance में आपको पता है कि extra electron double bond बनाने की कोशिश करता है और पहले से जो bond यहाँ बैठा हुआ है बगल वाले carbon पे shift करता है. तो इसके पास ये रहा halogen. यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर शेयर किया था बॉन्ड बनाने में, इंडिविजुअल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी रेजोनेंस होता है,
और इसके जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगता है पाई इलेक्ट्रॉन, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये पोक कर रहा है घूमने के लिए. तो ये जो पुराना बॉन्ड हमने आपको सिखाया है कि पुराना बॉन्ड बगल वाले कार्बन में शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज यहाँ बना देगा, एंड और सब लोग ऐसे ही हैं. नेक्स्ट, दिस इज गोइंग टू, ये जो आपको दिख रहे हैं ये रहा. नेक्स्ट में आपको रेजोनेंस में हमने दिखाया है हर समय कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, एंड पुराना बॉन्ड बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट करता है. ठीक है मैम, आप नेगेटिव चार्ज के नीचे क्या बनाइया? नेगेटिव चार्ज के नीचे क्या बनाया? दो डॉट, डॉट जो है ये बेटा, यस मैम, ये दो डॉट का मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन, यस मैम, ये शिफ्ट किया है बगल वाले कार्बन पे. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये बात हर समय दिमाग में रखना, ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था. जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इस वाले कार्बन पे, तो नेगेटिव क्यों डाला? दो इलेक्ट्रॉन वहां दिखा रहे हैं कि वो जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया है. नेगेटिव केवल सिंगल नेगेटिव क्यों दिखाए? क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था, तो कोई कौन सा तीर थोड़ी मारा है, वो तो उसी का था, और दूसरा वो किसी और से बगल वाले कार्बन का लिया हुआ है और रिच हो गया है, इसकी वजह से हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया. समझ रहे हो इस चीज को? यस मैम. नेक्स्ट स्टेप, लेकिन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, फिर वो नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा. ये यही है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने मजे के लिए करेगा, आपको डिस्पर्स करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ये जो इलेक्ट्रॉन्स आया है बाहर से, सबको एक एक करके सबको दिया जाता है, जिससे जिसकी वजह से दे बिकम मोर स्टेबल, सब में शेयर करता है. ये यहां आ गया, ठीक है, और जो पुराना बॉन्ड है वो बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा. ये रहा, वो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करें? दीज टू इलेक्ट्रॉन आई हियर, एंड ये पाई बॉन्ड वापस जा रहा है. दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग बैक, राइट? नाउ वी हैव दिस स्टेटस. देखना कि 24 घंटा में ऐसे ही घूमता रहता है ये लोग. 24 घंटा में कम से कम 15 घंटा इसके पास डबल बॉन्ड होता है जो कि टूटना है. सिंगल के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव है. और ये रुकता नहीं है, ये इट कंटिन्यूज. आप सबको 11th में पढ़े हुए हो कि रेजोनेंस रुकता नहीं है, इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग. ये घूमता रहता है लगातार. घूमने की वजह से ही आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ एंड यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा, राइट? तो ये बात जो हम लोग को समझ में आ रही है कि दिस इज बेसिकली शोइंग रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है, लेकिन इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है. और एक बात और समझो, केवल डबल बॉन्ड की बात ही नहीं है, जब भी दो बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाता है. एक बॉन्ड बना, देखो इतना डिस्टेंस है, दूसरा बॉन्ड बना तो और नजदीक आ जाएगा. ये न्यूक्लियस, इनके बीच का डिस्टेंस, इसको तोड़ना मुश्किल है. तो व्हाट आर वी टॉकिंग एग्जैक्टली, ये बात समझिए कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के केस में क्यों हैलो अरीन्स कम रिएक्टिव है? क्योंकि इनके पास क्या आ गया है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. समझ आ रही है बात? ड्यूरिंग एक बार फिर बता दीजिए ना कि हैलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है. अब नहीं, लाइन हम क्या बोले पहले ये बताइए बेटा. अब थोड़ा सा बोल समझे तो वहां पर जरा सा रिएक्टिव के लिए, रिएक्टिव का मतलब हम क्या बताए पहले वो समझो. जो कितना इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, बॉन्ड को तोड़ता है. बिल्कुल सही. किस तरह के बॉन्ड जल्दी टूटते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड. नहीं, साइड में हमने क्या लिखा है देखो ध्यान से. लॉन्गर बॉन्ड्स. लॉन्गर बॉन्ड,
क्यों? yes, थोड़ा फील करो, पेंसिल आपकी जब बड़ी पेंसिल हुआ करती थी तो उसको पहले तोड़ते थे ना, जैसे जैसे छोटी हो जाती थी उसको तोड़ना बर्बाद करना, तुम नोटिस किए होगे कि बड़ा बड़ी पेंसिल जब घर में आती होगी आपको उसको आप छोटा बहुत जल्दी कर देते थे, लेकिन जब छोटा जो हो जाता था वो बहुत दिनों तक चलता था, नोटिस किए थे? यस मैम। क्यों? क्योंकि वो तोड़ नहीं पाया। ठीक है, अब बताओ कि इस दोनों में किसका बॉन्ड छोटा हो जाता है? जल्दी यहाँ पर हेलो अरीन्स का। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से वहां पर 24 घंटे में 14 घंटे यहाँ डबल बॉन्ड रहता है, एक रीजन ये है, और इसी डबल बॉन्ड की वजह से ना इनका बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। सौम्या में कौन बदमाश है? जल्दी जल्दी। मैं। हाँ, सौम्या बदमाश है। यस मैम। बट व्हाट श्रेया, कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन? बेटा आप बदमाश हो, वो प्रूव हो गया, अब हम ये तो नहीं ना पूछने जा रहे। अच्छा श्रेया कितनी बदमाश है, ये नहीं ना पूछोगे बेटा? हमने आपसे क्वेश्चन पूछा दोनों में शैतान कौन है, आपने बोला मैं, राइट? एम आई गोइंग टू आस्क, वो तो समझ में आ गया आप शैतान हो बेटा, क्योंकि आप मेरे सामने हो और यू आर सो ऑनेस्ट इन दैट वे, यू हैव एक्सेप्टेड इट। अब जरूरी थोड़ी है वो तो श्रेया से पूछेंगे, श्रेया बोलेगी हाँ श्रेया वैसे आ दोनों भाई है ना बेटा छोटा एक no, सौम्या no, अच्छा नहीं आप दोनों ही हाँ। yes, बेटा ये हम जब बता चुके कि आप खुद ही बता चुके कि नहीं आई एम लिटिल नॉटी, राइट? तो ये अंडरस्टूड है कि श्रेया इज बेटर, शैतानी में वो कम है, शैतानी में वो कम है बेटा, ये तो बस समझ में आ गई। वही चीज है इन हालो अर्कीन एंड हालो अरीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमने बोला हालो अर्कीन, क्यों? क्योंकि हालो अरीन कम रिएक्टिव है, समझे? समझे? यस मॉम। इसको हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज लेस रिएक्टिव देन दिस वन, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो कितने लोग समझे? अगर हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा ना, वो तो बॉन्ड टूटता है बिकॉज़ इट्स पोलर, वो तो पोलर यहां बता चुके हैं ना बेटा, क्योंकि पोलर है वो तो हमने बता दिया कि पोलर है इसलिए टूटता है, इनमें आपस में कोई प्रॉपर्टी, बॉन्ड टूटने के पीछे कारण क्या होता है? बॉन्ड टूटने के पीछे रिएक्टिव का मतलब होता है बॉन्ड टूटना, बॉन्ड टूटने के पीछे रीजन क्या है? लॉन्गर बॉन्ड लेंथ एंड पोलर। यस मैम। तो हेलो एल्केन्स का तुम अलग अलग बात कर रही हो, तो दोनों पोलर है, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे दोनों के बॉन्ड टूटेंगे, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि दोनों का कंपैरिजन, दोनों में एक ही ब्रीड है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को? दोनों में एक ही ब्रीड है, दोनों पोलर yes, है। ma'am, yes, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन हेलो एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो एल्केन विच इज मोर रिएक्टिव, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो एल्केन, which is more reactive? क्या आंसर लिखेंगे? ठीक है, रिएक्टिविटी आपको यहां पर बात कर रहे हैं, तो टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन, आपके दिमाग में एंगल क्या होनी चाहिए, किसका बॉन्ड CX बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो टर्शियरी का जल्दी टूटता है, सेकेंडरी का जल्दी, उसके बाद प्राइमरी का। अब एक बात समझना होगा फिर से आपके सामने, टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी का मतलब क्या है? टर्शियरी दिस इज योर टर्शियरी हेलो एल्केन,
this is your scientific hierarchy. 3 degree, 2 degree and 1 degree. इन तीनों में आपको ये देखना होगा सब इस पर कोई झंझट ही नहीं है, सब sp3 है, ये भी sp3, कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ नहीं. अब यहाँ पर तुमको एक्सप्लेन करना होगा एक बात, इसमें टर्शरी को क्यों, टर्शरी अपनी बॉन्ड कल जल्दी क्यों तोड़ दिया. यहाँ पर अब दूसरी लॉजिक, सब अपने अपने पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए. CX की क्वालिटी एक जैसी है, C एंड X के बीच में पोलैरिटी एक जैसी है, बॉन्ड लेंथ भी एक जैसा है, जैसे लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरेन्स में की. यहाँ तीनों का बॉन्ड लेंथ भी सेम है. सवाल उठता है कि किसकी बॉन्ड जल्दी टूटेगी. तो जब सब कुछ सेम है, जो कंडीशन रिएक्टिविटी का होना चाहिए, देखो जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो बहुत सारी बातें आपकी सेम है, हम उस बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा अनकॉमन चीज है, जो यहाँ पर सूट करेगा. यहाँ पर आपका लॉन्गर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों का एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन है, कोई रेजोनेंस नहीं दिखाता. तब ऐसे केस में रिएक्टिविटी आपको कंपैरिजन करना है. सब लोग ध्यान से सुनना, फंसना नहीं. फिर इसमें ये बोली जाती है बात जो 11th में भी हम बताए हुए हैं आपको, कि बॉन्ड तोड़ने के बाद किसको बहुत मजा आ रहा है. यदि आपको कंपैरिजन करना है एंड सब कंडीशंस बिल्कुल सेम है, तब आपको यहाँ पर देखना होगा कि विच इज गोइंग टू मेक मोर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट आउट ऑफ दीज थ्री. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि विच मेक्स मोस्ट स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट. तो मेरा ऑर्डर ये चीज है, 3, 2, 1 आंसर लिखेंगे हम लोग. टर्शरी में मोस्ट स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बॉन्ड तोड़ने के बाद, इंटरमीडिएट टर्शरी मेक्स मोस्ट स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट. बेटा एक दिन हम आप लोगों के साथ मैकेनिज्म भी शेयर किए थे, पता नहीं उसको 11th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ाया था. टर्शरी मेक्स मोस्ट स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम. समझ आ रही बात? What we said, tertiary जो है सबसे ज्यादा stable reactive intermediate बनाएगा, और जिसका reactive intermediate followed by reactive intermediate कौन है उसमें? Carbonium ion. इनको तो याद होगा नहीं, Carbonium, carbocation. अभी लिखेंगे ठीक से, समझा देते हैं आगे सर. Followed by secondary and primary haloalkene. देखो क्या लिखे हैं हम यहां पर, ये समझो. Tertiary haloalkene का जब bond टूटने की बारी आई, This makes tertiary carbonium ion. ये कहा जाता है कि जो substance सबसे ज्यादा stable reactive intermediate बनाए bond तोड़ने के बाद, जो उसका reactive intermediate बनता है वो सबसे ज्यादा comparatively stable होगा, तो उसके main compound को ज्यादा stable माना जा, ज्यादा reactive माना जाता है. जैसे इसने अपनी bond को तोड़ा और बनाया टर्शरी कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन दिस इज योर टर्शरी हैलोएल्केन. दिस इज मेड टर्शरी कार्बोकेटायन. ये बॉन्ड टूटा, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आया टर्शरी कार्बोकेटायन करके,
and X has gone out. Ye tertiary carbocation is most stable. This is your reactive intermediate. Ye jyada stable hai. This is highly stable. Kyun highly stable hai? इसके ऊपर गरीबी देखो बॉन्ड टूटने के ऊपर बाद कार्बन के ऊपर गरीबी आई है लेकिन इसको सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है आपका अल्काइल ग्रुप अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है इस कार्बोनियम आयन को कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटायन बोलते हैं या कार्बोनियम बोलते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दिस इज हाईली स्टेबल राइट क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा मदद मिली है इस कार्बन को मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट एंड मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन ठीक है यहाँ के केस में जैसे हम लोग बात करके आ रहे हैं सो दिस इज गिवन हियर फॉर मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन नाउ वी आर टेकिंग हियर फॉर सेकेंडरी हैलो एल्केन्स क्या होगा सेकेंडरी हैलो एल्केन्स में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे कौन टूटा कितने लोगों से मदद मिल रही है इसको बेटे कितने अल्काइल ग्रुप इसको मदद कर रहे हैं ये बताइए यहाँ पर इसको तीन लोग मदद कर रहे थे ये जब अपनी बॉन्ड को तोड़ा तो इसको कितने लोगों से मदद मिल रही थी तीन क्योंकि अल्काइल ग्रुप को मदद करने की आदत है अल्काइल ग्रुप जिसको कहते हैं ना दे शो प्लस आई इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन क्या है जो उसके बगल वाले जो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं वो पूरा का पूरा डोनेट करता है अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है तो दिस इज योर प्लस आई इफेक्ट राइट नाउ इन द केस ऑफ सेकेंडरी हैलो एल्केन What happened? इस वाले केस ये क्या बना रहे हैं आपको ये बॉन्ड टूट रहा है इसके ऊपर प्लस चार्ज किया ठीक है और ये कार्बोकेटायन बनाया है यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन कितने लोगों से मदद मिली इसको केवल दो ये ग्रुप लेस कंपैरेटिवली लेस मतलब इसके तुलना में कम लोगों से उसको मदद मिल रही है तो ये सी ज्यादा स्टेबल नहीं है टर्शरी के तुलना में टर्शरी कार्बोकेटायन के तुलना में जिसका जिसका प्रोडक्ट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट बॉन्ड तोड़ने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा उसका मेन कंपाउंड अपनी बॉन्ड को जल्दी से तोड़ेगा दिस इज मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिव मतलब बॉन्ड तोड़ेगा क्यों तोड़ेगा बॉन्ड जैसे कहते हैं ना एक जॉब से जल्दी कोई जाने की कोशिश करता है क्योंकि तो पता है कि जॉब छोड़ने के बाद हमको ज्यादा मजा आएगा वैसे ही दिस इज मोस्ट रिएक्टिव क्यों मोस्ट रिएक्टिव है बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल तो इसको वो सपोर्ट करता है बार बार अपनी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कि देखिए ना आपको इतनी मदद मिल जाएगी एंड इसमें कंपैरेटिवली लेस प्लस आई इफेक्ट लेस स्टेबल ये तुलना किया जाता है पहले वाले से लेस प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी में सॉरी प्राइमरी में बताऊं कितनी मदद मिलेगी उसके कार्बोकेटायन को वन दिस इज वन डिग्री कार्बोकेटायन
प्लीज प्लस इट. कंपैरेटिवली इसलिए अनलीस्ट स्टेबल. ये सब कंपैरिजन किया जाता है दूसरे से, तीनों का कार्बोकेटाइन का कंपैरिजन किया गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इसको मजा आता है अपनी बॉन्ड तोड़ के ये स्टेट में आने का, क्योंकि औरों के तुलना में ये इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, तो बार बार ये अपनी बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा. ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी का सीन है, उसके बाद प्राइमरी का. दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव. क्या बात समझ में आई? वही सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा. दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल. ठीक है, नेक्स्ट इज हो गया. इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा, ये समझ में आ गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलोएल्केन्स का, कौन ज्यादा रिएक्टिव है. दिस वी सेड टर्शरी इज मोर रिएक्टिव, राइट. अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है. मिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म जिसको हम लोग SN1 एंड SN2 करके बात करते हैं. यहां देखना जरा सा, SN1 का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. ये बात को ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. ये बात समझ में आ रही है? अब क्या है इसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर में, जैसे कोई रिएक्शन है, ए चेंज हुआ बी में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बेटा केमिकल काइनेटिक्स रहता था तो वहां पर चून्स को पता रहता था. लेकिन अब थोड़ा सा इस बात को जान लीजिए, रे किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है, दिस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ये स्पीड पर देता है कौन सा रिएक्शन, रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन जल्दी जल्दी खत्म होता है, कौन एकदम, जैसे किसी के बारे में कहते हैं ना कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, ये वर्ड सुना है ना, बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, किसी का सुनते हो कि बहुत स्लो रिएक्ट करता है. रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बनाने में किसी को बहुत जल्दी है, किसी को बहुत धीरे 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 चलता है. तो यहां पर बताया कि जितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज वो सेकेंड ऑर्डर, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर. तो उस केस में नहीं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहां पर ये कैसे कैसे गया है. रेट इज इक्वल टू, यदि केवल एक ही पे डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पर, इट्स गोइंग टू डिपेंड अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर. केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे यदि डिपेंड करेगा रेट, मतलब स्पीड, ये बात हर समय जान लो कि किसी भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है विद द रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से. ये पहले अपने आप दिमाग में लगाइए कि कोई भी चीज तेजी से, यदि किचन में कुछ चढ़ाए हुए चूल्हे पे एंड कोई दूसरा केमिकल आपने डाल दिया, फटाफट खोलना वोलना शुरू हो गया, उसको हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन. जैसे मैगी कहा जाता है कि 2 मिनट के अंदर बन जाता है, वो झुट्टे बोलते हैं लेकिन बन जाता है, लेकिन उसको हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन. ठीक है, और डिपेंड करता है स्पीड जो है, अक्सर डिपेंड करता है इस चीज पर, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. किसके कॉन्सेंट्रेशन पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट किस चीज पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर. यदि रिएक्टेंट के ऊपर पावर 1 हुआ, ठीक है, यदि रेट डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर जिसका पावर 1 है, उसको हम लोग कौन सा चीज बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है,
एंड इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस यदि दो रिएक्टेंट हम उठाते हैं सी एंड डी देता है और रेट डिपेंड करेगा दोनों पर, दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर। बेटा ये केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स के पहले ये चैप्टर आ गया है, तो अभी हमारे दिमाग में ये बिठाना है कि फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं। यदि स्पीड ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट पे यदि डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। यदि स्पीड ऑफ रिएक्शन यदि दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। आप हाँ, और लेकिन 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 बेटा दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि किसी के सामने ये अपना ज्ञान देना शुरू कर देना, दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इसलिए कि हम अभी केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ाए हैं आपको, इसलिए ये इस तरह से केवल एक तरह से सोचो कि हम एक मैनिपुलेटेड तुम्हारे से बात कर रहे हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सके यहाँ पर, ठीक है। अभी तुम्हारा जो इस टॉपिक में हमको समझाना है वो इस कॉन्टेक्स्ट में लेके चल रहे हैं कि यदि किसी रिएक्शन में रेट अभी मतलब कि ऑर्गेनिक में इससे काम आपका हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थोड़ा जस्ट अलग है और टेक्निकल है, जो कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिक के हिसाब से, और अभी जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, यदि रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड SN1, और यदि वो दोनों पे डिपेंड करेगा इट विल बी कॉल्ड SN2। हो गया, मतलब ये कन्विंस्ड हो हम क्या बोल रहे हैं और कहां पर अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको हमने अभी क्लियर कर दिया है, राइट। अब देखो कहां पर कैसे पता करते हैं कि कौन SN1 है और कौन SN2, आप पकड़िएगा कैसे। टर्शरी हैलो एल्केन्स पर आ रहे हैं, टर्शरी हैलो एल्केन्स का रिएक्शन दिखाएंगे। बेटा सबको पता है कि दीज कंपाउंड दे आर sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से यहां पर NaOH, थोड़ा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, और ये आता है बेटा मैकेनिज्म एकदम ध्यान से, यदि अभी आपके सामने कॉपी है तो इसको साथ साथ मेरे साथ समझते जाइए। हम दिखाए थे आपको कि ये बॉन्ड टूटता है और इसकी जगह पे OH आ जाता है, ये बहुत आसान अंदर की बात क्या है वो जा रहे हैं हम लोग, जिसको मैकेनिज्म बोला जाता है। सबसे पहले ये जनाब टूटेंगे बॉन्ड Na+ एंड OH-, as this is highly reactive, most reactive. अच्छा एक चीज बताओ बेटा, घर में एक चीज नोटिस किए हो, घर में आपका कोई ना कोई एक मेंबर जरूर होगा जो बहुत हड़बड़िया टाइप के रहते हैं, हड़बड़िया का मतलब क्या है, और पूरा माहौल को वैसे ही बनाए हुए रखते हैं, कोई ना कोई एल्डरली पीपल, वो मेरे साथ भी होगा, मेरे पेरेंट्स किया करते थे। तो ये घर में आप देखोगे, हर घर में एक जने ऐसे होते हैं बेटा, एक से दो जने, जो यदि ट्रेन यदि रात में 8 बजे है तो हो सकता है कि 3 बजे तैयार होकर के ड्राइंग रूम में मतलब गेस्ट रूम में आके बैठ जाएंगे, इस तरह के सिचुएशन में, और 3 बजे तक खाना वाना खा करके सब बैठ गए, और हर समय उनके दिमाग में चलता रहेगा कि हो सकता है 4 बजे निकल भी जाए, 8 बजे ट्रेन है, मतलब इस तरह की चीजें रहती है, दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिव। एंड हो सकता है कितने एक, और ये सारा चीज होता है जो एक्सपीरियंस बहुत किए रहते हैं उनके साथ होता है, वही चीज आपके टर्शरी हैलो एल्केन्स का है, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव सब्सट्रेट है इसको, और ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम निकलते हैं, ठीक है, हम निकलते हैं कम सेंस क्या हुआ कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक इट्स बॉन्ड, राइट, ये अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा एंड अपनी बॉन्ड को तोड़ करके एक्स यहां पर से निकलेगा, ठीक है। बेटा ये हम यहां पर स्टॉप करते हैं, इसको हमको बहुत ज्यादा समझाना है, ठीक है, आई विल बी टेकिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास, हम थोड़ा सा स्कूल का एक एग्जाम ले लेते हैं जल्दी से, आई विल बी टेकिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास, चलेगा, ओके मैम, बोलिए, एक्सक्यूज मी मिस, हाँ बेटा बोलिए मिस।